Assalamu alaikum, welcome back dear students, welcome to Conceptual Biology again. In this video tutorial we are discussing the Golgi bodies, it is also known as Golgisome or Dictyosomes in the plants. So इससे पहले इस वीडियो से पहले हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. सो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एक एक्सटेंसिव सिस्टम है of the membranes which is throughout spreading in the cytoplasm and performing certain and different important function. So endoplasmic reticulum humne pehle padha hai, iske baad the next one which is following the endoplasmic reticulum ya jo endoplasmic reticulum hai usse jo banta hai, that is known as Golgi bodies or Golgi complex or dictyosome है. इसके अलावा इसको और भी ढेर सारे नाम जो है वो दिए जाते हैं, लेकिन ये जो तीन चार नाम है ये मोस्ट कॉमन है. So this Golgi bodies are discovered by and the ultrastructure was given by the Camillo Golgi, found he discovered these Golgi bodies in the nerve cell of kids. So kids में उन्होंने ही discover किया था. अच्छा, अब इसके जो occurrence हैं, चूँकि ये तो eukaryotic in nature है, तो जितने भी eukaryotes हैं mostly उसमें ये मौजूद होता है, लेकिन देर आर सम एक्सेप्शंस जो प्रोकैरियोट्स से डेफिनेटली उनमें ये एब्सेंट होता है. सो बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, ब्लू ग्रीन अल्जी है उनमें एब्सेंट होता है, जो मैच्योर मेमेलियन आरबीसी है उसमें ये एब्सेंट होता है, जो स्पर्मेटोजुआ है अब द ब्रायोफाइट आर टीरिडोफाइट जो है जो मेल गैमेट्स होते हैं उनमें ये एब्सेंट होता है. इसके अलावा जो है ये सीवटीब सेल्स वहाँ पर भी एब्सेंट होता है, क्योंकि उसमें जितना भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है आरबीसी का या इसका इन दोनों का ये क्या होता है, ये कंप्लीट डिग्रेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज़ द अक्रेंस कि ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है. अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं. सो द स्ट्रक्चर इज़ बेसिकली कम्पोज ऑफ द थ्री डिफरेंट कम्पोनेंट्स, वन इज सिस्टर्नी, द सेकेंड वन इज वेक्यूल एंड द थर्ड वन इज सिक्रेटरी वेसिकल्स. ठीक है, ये तीन इसके जो पार्ट्स है, सिस्टर्नी, देन द सेकेंड वन इज वेक्यूल्स एंड द थर्ड वन इज सिक्रेटरी वेसिकल्स. सो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अपने कंप्लीट वो बनाता है, जो प्रोटीन्स वगैरह बनाता है या लिपिड्स वो सिंथेसाइज कर लेता है, देन वो प्रोटीन्स या वो जो लिपिड्स होते हैं एक ड्रॉपलेट्स की सूरत में, वेसिकल्स की सूरत में जो है वो क्या हो जाते हैं, उससे बड ऑफ हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं. मतलब यहाँ से ये डिटैच होना शुरू हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी इस तरह से डिवाइड होने लगता है और यहाँ पर मूव करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पर साइटोप्लाज्म में आ जाता है. ठीक है, तो ये जो वेसिकल्स हैं, ये वेसिकल्स अब यहाँ से डिटैच होके बड ऑफ होके यहाँ पर आ जाते हैं, क्लोजर टू द न्यूक्लियस, एंड देन अगेन दे जॉइन ईच अदर. फॉर एग्जांपल दिस वन, सो ये वेसिकल्स हैं, तो ये जो वेसिकल्स है अगेन दे विल स्टार्ट जॉइनिंग ईच अदर, इनके मेम्ब्रेन जो आपस में एक दूसरे के साथ जॉइन हो जाता है, एंड इट विल फॉर्म अनदर सिस्टर्नी. लेकिन ये सिस्टर्नी जो है ये याद रखना कि दिस सिस्टर्नी इज़ स्मॉलर इन डायमीटर देन दिस वन. ये इनसे क्या होता है, स्मॉलर इन डायमीटर होता है, और गल्जी कम्प्लेक्स भी इसके कंपेयर टू स्मॉल होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने ड्रा किया है लार्जर टू एक्सप्लेन इट वेल. सो दीज आर द वेसिकल्स विच आर कमिंग फ्राम वेसिकल फ्राम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जो वेसिकल्स होते हैं, ये वेसिकल्स वहाँ से आ जाते हैं. ये बात हमें याद रखनी है कि जो फॉर्मिंग फेस है, ये वाला जो फेस है जहाँ से जो गल्जी बॉडी है विच इज़ फेसिंग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, उसको क्या कहते हैं, फॉर्मिंग फेस कहते हैं. क्या कहते हैं, फॉर्मिंग फेस कहते हैं, इसको सिस फेस भी कहते हैं और इसको कन्वेक्स फेस जो है इसको भी कन्वेक्स फेस जो है कहते हैं. इन दोनों फेसेस की वजह से कि वन इज़ फेसिंग द प्लाज्मा द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द अदर वन विल फेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसको कहते हैं गल्जी बॉडी इज शोइंग पोलैरिटी. ये पोलैरिटी जो है वो शो कर रहे हैं, एक तरफ जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को फेस कर रहा है और दूसरी तरफ जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फेस कर रहा है. सो दिस फेस विच इज टुवर्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ से बेसिकली गल्जी बॉडी बनना शुरू हो जाती है. और ये बनना कैसे बनती है कि जो गल्जी जो वेसिकल्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से विच में कंटेन सर्टन प्रोटीन्स, ठीक है, या कोई सिक्रीशन जो है उसमें मौजूद होते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, वो आ जाते हैं एंड देन दे जॉइन ईच अदर, ये जॉइन ईच अदर एंड इट विल फॉर्म अ वेसिकल, अ सिस्टर्नी, एक सिस्टर्नी, एक लॉन्ग चैनल बनाता है, उसको क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं. तो ये सिस्टर्नी दोबारा से बन जाता है और इस तरह से जो मटीरियल होते हैं वो एक एंड पर
या बीच में भी और एक एंड पर ऐसे ये एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब ये एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, गॉल्जियन वैक्यूल्स कहते हैं। गॉल्जियन वैक्यूल्स कहते हैं मतलब जो मटेरियल यहाँ पर मौजूद है, इसके अंदर जो मटेरियल थे वो मटेरियल क्या कर लेते हैं, वो मटेरियल चूँकि यहाँ पर एक दूसरे के साथ ही जॉइन कर लेते हैं, तो जॉइनिंग के बाद वो मटेरियल इसी एक सिस्टर्नी में आ जाते हैं। तो और फिर वो जो वैक्यूल बनाते हैं, जो छोटे छोटे वेसिकल्स बनाते हैं जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, फिर हम इसको क्या कहते हैं, ये एंड पर मौजूद होते हैं। एंड पर ये जो सिस्टर्नी होती है, द सिस्टर्नी ऑफ द गल्जी बॉडी और गल्जी वेसिकल्स, वो थोड़ा सा बल्ज हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, चूँकि इसके अंदर वो मटीरियल जो है वो आ जाते हैं। सो दीज आर द गॉल्जियन वैक्यूल्स। अब जैसे जैसे ये वैक्यूल जो है ये आगे चला जाता है, ये जो सिस्टर्नी है आगे से जो है फ्रॉम दिस रीजन फ्रॉम द फॉर्मिंग फेस, वहाँ से जो वैक्यूल्स जो वेसिकल्स होते हैं वो वेसिकल एक दूसरे को जॉइन कर रहे हैं, और इससे जो है ये आहिस्ता आहिस्ता से ये मैच्योर होती है, बढ़ता जा रहा है इन साइज, यहाँ से ये ऐड होते जा रहा है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, दे आर दिस सिस्टर्नी आर गेटिंग पुश्ड टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यार पेरिफेरी की तरफ ये जा रहे हैं। सो जो जैसे जैसे आता जाएगा ये मैच्योर होता जाता है, ये लास्ट वन जो है मैच्योर सिस्टर्नी, द लास्ट सिस्टर्नी इट विल गेट इन मैच्योर, और ये जो है यहाँ से इमैच्योर फेस जो है वो शुरू हो जाता है। ये इमैच्योर फेस पहले से मौजूद है कि यहाँ पर जो सिस्टर्नी है वो बन रहे हैं और आखिर में ये क्या हो जाते हैं, ये मैच्योर हो जाते हैं। सो व्हेन दे रीच्ड टुवर्ड मैच्योरिटी और द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी, तो फिर ये दोबारा से क्या हो जाते हैं, इस तरह से ये वेसिकल्स में या जो सेक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं उनमें ये क्या हो जाता है, ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है क्योंकि ये मैच्योर हो रहा है। सो इस फेस को विच इज़ फेसिंग टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो क्या है, वो वहाँ पर ये जो गल्जी बॉडी होते हैं या जो गल्जी कम्प्लेक्स है वहाँ पर वो मैच्योर हो जाता है। तो जब वो मैच्योर हो जाएगा सो दैट इज़ नोन एज मैच्योरेशन फेस और दैट इज़ नोन एज ट्रांस फेस और कनकेव फेस। सो यहाँ पर कनकेव और कन्वेक्स इसकी वजह से इसलिए कहते हैं कि ये बाइपोलरिटी शो कर रहा है। सो यहाँ पर एक तरफ है, एक तरफ को फेस कर रहा है, दूसरी तरफ जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फेस कर रहा है, दैट्स व्हाई दैट इज़ शोइंग पोलैरिटी। और इन दो जो फेस होते हैं, एक टुवर्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द अदर वन इज टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो मटेरियल्स हैं, जो मटेरियल यहाँ से आए हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी हो सकते हैं इसे, सो ये जो मटेरियल है, अब जो गल्जी बॉडी है, गल्जी बॉडी इन मटेरियल के साथ क्या करती है, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोटीन्स होते हैं या जो दूसरे केमिकल्स होते हैं, जो ड्रग्स वगैरह होते हैं, कोई भी चीज़ है, वो एज सच यहाँ पर इस मेम्ब्रेन सिस्टम में मौजूद नहीं होता, उसको ज़रूर जो है अगर डिटॉक्सिफिकेशन कर लेता है तो फिर उसको डिटॉक्सिफाई करना है, इसके स्ट्रक्चर में ऐसे चेंजेस लाने होते हैं कि वो चीज़ जो है वो टॉक्सिक जो इफेक्ट है वो काज ना करें। या जो प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन ऐसे सिंपल प्रोटीन जो एंजाइम हमें मिलता है, जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है, तो हमें ऐसे नहीं मिलता कि जो जैसे ही राइबोसोम से वो निकलता है वो डायरेक्टली एंजाइम बनता है या कोई दूसरा प्रोटीन बनता है जो कि विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन जब वो यहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इन वेसिकल्स के थ्रू आएगा और फिर ये वेसिकल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, गल्जी बॉडी बनाते हैं, तो गल्जी बॉडी का फंक्शन यहां पर शुरू हो जाता है और ये गल्जी बॉडी फिर क्या कर लेते हैं, उन प्रोटीन्स को मॉडिफाई कर लेते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन होती है ट्रांसक्रिप्शन के बाद उसको क्या कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि सेल क्या करे, उसको यूटिलाइज कर सकता है। सो जितने भी ये मटेरियल होते हैं उनको मॉडिफिकेशन, द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस गल्जी बॉडी इज मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टन मटेरियल, मॉडिफिकेशन ये क्या है, ये मॉडिफाई कर लेता है प्रोटीन्स को, सिंपल फॉर्म से उसको कम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, उसको जो है यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, ताकि सेल उसको क्या करे, यूज़ कर सके, अपने जो उसके फंक्शन है उसको रन कर सके उसके थ्रू। सो द वन इज मॉडिफिकेशन। दूसरा क्या कर लेता है कि ये सिक्रीशन कर लेते हैं, सिक्रीशन में ये पॉलीसेक्राइड सिक्रीट कर सकता है, प्रोटीन सिक्रीट कर सकता है, कोई हार्मोन है जस्ट लाइक द थायरोक्सिन वो सिक्रीट कर सकता है, ठीक है। सो द सेकंड फंक्शन इज द सिक्रीशन ऑफ सर्टन मटेरियल लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड द हार्मोन्स, ठीक है। इसके अलावा जो है जो गल्जी बॉडी है, ये गल्जी बॉडी सेल प्लेट फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करती है, सेल प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है जी, ये जाती है और फिर ये सेल के बीचों बीच जो है अपने आप को अरेंज कर लेती है, वहाँ पर जो मिडल लेमेल है, प्लाज्मा लेमा जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह वो बन जाते हैं। इसके अलावा जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन भी कर लेता है,
डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सर्टन मटेरियल जो है उसको क्या कर लेता है, ये डिटॉक्सिफाई कर लेता है। सो प्लस जो गल्जी बॉडी है, गल्जी बॉडी एक कम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें ये सेल के जो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, सिक्रेटरी सेल में ये बहुत ज़्यादा होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं क्योंकि वहाँ पर इसने सिक्रीशन करनी होती है। सो इस तरह से ये थोड़े से फंक्शन है इसके, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन रिगार्डिंग द सेल सेलुलर एक्टिविटी। जो सेलुलर एक्टिविटी है उसके मुताबिक ये फंक्शन जो है ये क्या कौन परफॉर्म कर लेता है, दिस गल्जी बॉडी। सो गल्जी बॉडी इज अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो पार्ट है, ठीक है। और इसमें ये ट्रांसपोर्ट का भी काम कर लेते हैं। देखिए यहाँ से ये मटेरियल यहाँ से आ गए हैं, ठीक है। अब ये इससे जो इनको सिक्रेटरी वेसिकल में पैकेज कर लेते हैं। एक अनदर फंक्शन इज दैट इट विल हेल्प्स इन द पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। ये क्या कर लेता है, मटेरियल को पैकेज कर लेता है इन वेसिकल्स में, मटेरियल को क्या कर लेता है, जो बड़े वेसिकल्स होते हैं, जो फार्मिंग फेज के साइड पर जो वेसिकल्स होते हैं उनका साइज छोटा होता है, लेकिन जो बाद में ये मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, सिक्रीशन कोई मटेरियल्स में स्टोर किया हुआ है, तो फिर वो क्या कर लेता है, उसका जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, एंड दैट इज नोन एज पैकेजिंग, दैट इज नोन एज पैकेजिंग। अब वो जो है साइक्लोसिस के थ्रू, किसी दूसरे प्रोसेस के थ्रू जो है वो सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सो द पैकेजिंग इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गल्जी बॉडी। एंड द नेक्स्ट वन, द वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम। फॉर एग्जाम्पल, अब एक सेल है, उस सेल के लिए कोई हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की ज़रूरत है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बेसिकली एंजाइम्स क्या है, दे आर प्रोटीन इन नेचर। तो जब प्रोटीन इन नेचर होते हैं तो जब वो यहाँ पर बन जाते हैं उनको मॉडिफाई करना होता है गल्जी बॉडी ने। जब वो मॉडिफाई कर लेते हैं तो या तो वो डायरेक्टली प्रोटीन के फॉर्म में यहाँ पर उसको जो है सिक्रेटरी वेसिकल में पैक कर लेगा, लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर उसको क्या कर लेता है, उसको एंजाइम के फॉर्म में चेंज कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है। जब एंजाइम के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, चेंज करेगा, तो दैट स्ट्रक्चर इज नाउ नोन एज प्राइमरी लाइसोसोम, लाइसोसोम जो कि किसी भी कंपोनेंट के साथ इन कंटैक्ट अभी नहीं है। जब वो इन कंटैक्ट आएगा तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल वो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ आ गया है, किसी सेल किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ आ गया, ऑर्गेनेल के साथ आ गया है, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। लेकिन अभी वो लाइसोसोम चूंकि उसके अंदर सिर्फ क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, द प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं। तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द गल्जी बॉडी, के गल्जी बॉडी जो है इसके क्या क्या फंक्शन है। अगेन लेट हैव अ रिव्यू, गल्जी बॉडी जो है दिस इज डिस्कवर्ड आर ऑब्जर्व बाई एंड स्ट्रक्चर वॉज गिवन बाई द कैमिलो गल्जी एंड ही डिस्कवर्ड दिस इन द नर्व सेल्स ऑफ द कैट। दिस गल्जी बॉडी इज एबसेंट इन द बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन आल्जी, RBC, स्पर्मेटोजोन, जुआ ऑफ द ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड सीट्यूब सेल्स, उसमें ये एबसेंट होता है, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स जो है ये वेसिकल्स होते हैं, स्टर्नी है और सिक्रेटरी वेसिकल है, गल्जियन वेक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इसके दो फेस हैं, वन इज टुवर्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अदर वन इज टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी वजह से इसको ये क्या शो कर लेता है, पोलरिटी शो कर लेता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो प्लाज्मा के रेटिकुलम से जो वेसिकल्स आते हैं वो दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। जब कम्बिनेशन के बाद ये क्या बनाते हैं, ये सिस्टर्नी बनाते हैं, और सिस्टर्नी जहाँ से बन रहे होते हैं वहाँ पर इसको कहते हैं फार्मिंग फेस, जहाँ पर से वो बन रहे होते हैं, और जो एंड में जब वो अगेन डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, मेच्योरेशन फेस, और दैट इज कन्वेक्स फेस, सॉरी कनकेव फेस। सो वो टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। जब वेसिकल्स बन जाते हैं तो वेसिकल्स जो है या उसमें कोई इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है, प्रोटीन्स है, हार्मोन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है वगैरह वगैरह, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, सेक्रेटरी वेसिकल्स कहते हैं। अगर उसमें सिर्फ डाइजेस्टिव एंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। वो किसी चीज़ के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, देन दैट इज नोन एज सेकेंडरी लाइसोसोम। इसके फंक्शंस क्या है कि जो मटेरियल आ जाता है वो मटेरियल पहले जो प्रोटीन्स है, फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रग है, उसको डिटॉक्सिफिकेशन करना होता है उसकी। सो उसको हम क्या कहते हैं मॉडिफिकेशन कहते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ दैट मटेरियल। सेकंड वन इज सिक्रीशन, कि ये सिक्रीशन हार्मोन सिक्रीट करता है, प्रोटीन्स वगैरह वगैरह जो इसको सिक्रीट कर लेता है। सेल प्लेट फॉर्मेशन है, फ्रिगमोप्लास्ट बनाते हैं, डेफिनेटली वो गल्जी कॉम्प्लेक्स या गल्जी बॉडी जो है उनसे बन जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन है, कोई ड्रग वगैरह है, कोई केमिकल है, उसको डिटॉक्सिफाई किया जाता है, इसके कंपोनेंट को डिग्रेड किया जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज पैकेजिंग, ये जो मटेरियल होते हैं, हार्मोन्स है या कार्बोहाइड्रेट्स है या प्रोटीन्स है, ये सारी की सारी चीज़ें उनको क्या कर लेते हैं, पैकेज कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ द सेक्रेटरी वेसिकल्स। एंड द लास्ट वन इज दैट इज द प्राइमरी लाइसोसोम। सो प्राइमरी लाइसोसोम जो है कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एंड देन इट विल प्ले इट्स रोल इन द सेलुलर डाइजेशन या सेलुलर जो एडिटिंग वगैरह है वो इसमें इसका रोल होता है। सो
इसके बाद देखिए जी, पहले हमने इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पहला वाला पार्ट जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा है. यू कैन हैव यू मे हैव द वीडियो इन द प्लेलिस्ट, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं. देन दूसरा जो कंपोनेंट है हमने उसका पढ़ा है दैट इज द गल्जी बॉडी. नेक्स्ट वन विल बी द लाइसोसोम एंड द लास्ट वन विल बी द वैक्यूल. सो ये चार कंपोनेंट्स है, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ये जो चार मेम्ब्रेन सिस्टम होते हैं जो ऑर्गेनेल है, दीज आर बेसिकली द पार्ट ऑफ द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. चूंकि ये एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड है लिहाजा हम इसको क्या कहते हैं, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं. जो दूसरे ऑर्गेनेल्स होते हैं वो तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, जो जस्ट लाइक द माइटोकांड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट है या दूसरे हैं तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, लिहाजा हम उसको जो है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में काउंट नहीं कर लेते. लेकिन ये चारों जो है ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में काउंट होते हैं. सो इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग द लाइसोसोम, द फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग द वैक्यूल्स. थैंक यू सो मच.